दोस्तों, क्रिकेट के महाकुंभ T20 वर्ल्ड कप 2022 में शुरू होने में अब बस कुछ ही समय बचा हुआ है। भारत के स्टार क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह चोटिल होने की वजह से T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं, जिससे कि टीम इंडिया को एक तगड़ा झटका लगा है। लेकिन अब उनके अलावा वेस्टइंडीज के टीम को भी तगड़ा झटका लग चुका है, क्योंकि वेस्टइंडीज का एक धाकड़ बल्लेबाज जो है वो फ्लाइट छूटने की वजह से T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है, जिसके पीछे की वजह भी चौंका देने वाली है। बता दें कि वेस्टइंडीज के आक्रामक बल्लेबाज शिमरन हेटमायर को ऑस्ट्रेलिया में टीम से जुड़ने के लिए स्केड्यूल फ्लाइट नहीं पकड़ पाने की वजह से वेस्टइंडीज के T20 वर्ल्ड कप 2022 टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है और उनकी जगह पर समारा ब्रूक्स को टीम में शामिल किया गया है। अब ये सवाल उठता है दोस्तों कि क्या फ्लाइट छूटने की वजह से ही शिमरन हेटमायर को बाहर किया गया या फिर वजह कुछ और थी? तो दोस्तों, इसका जवाब है हाँ। दरअसल शिमरन हेटमायर को शनिवार को गयाना से रवाना होना था, लेकिन वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड ने उनके फैमिली की वजह से उन्हें सोमवार को उड़ान पकड़ने की परमिशन दे दी। इसका मतलब था कि वो गोल्ड कोस्ट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बुधवार को होने वाले T20 मैच के लिए अवेलेबल नहीं रह पाते। उन्होंने वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड को इन्फॉर्म किया कि वो अपनी अगली स्केड्यूल्ड फ्लाइट को भी नहीं पकड़ सकते हैं, और इसके बाद क्या था, सिलेक्टर्स ने उन्हें बाहर कर दिया। सूत्रों के मुताबिक वेस्टइंडीज के डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट जिमी एडम्स ने एक बयान में कहा कि हमने शिमरन हेटमायर की उड़ान को उनकी फैमिली के कारण शनिवार की बजाय सोमवार को कर दिया था, लेकिन उन्हें क्लियर भी कर दिया गया था कि अगर उड़ान में आगे देरी होगी तो हमारे पास उनकी जगह पर किसी और खिलाड़ी को रखने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि हम इस महत्वपूर्ण प्रतियोगिता के लिए टीम की तैयारियों से समझौता नहीं कर सकते हैं। वह दोस्तों, अब शिमरन हेटमायर तो T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो चुके हैं, लेकिन उनकी जगह पर समारा ब्रूक्स को शामिल किया गया है। बता दें कि समारा ब्रूक्स ने पिछले साल दिसंबर में T20 में डेब्यू किया था और 11 मैचेस में 214 रन बनाए हैं, वो भी 23 के एवरेज से। तो दोस्तों, क्या शिमरन हेटमायर की जगह पर समारा ब्रूक्स को T20 वर्ल्ड कप की टीम में शामिल करना क्या वेस्टइंडीज की टीम के लिए सही साबित होगा? इसका जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगे क्रिकेट की तमाम लेटेस्ट अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए क्रिकेट लाइन गुरु। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग।